हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ सीरीज अनऑफिशियली फिजिक्स। हम साथ में रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स का सीरीज में फॉर स्टूडेंट्स जो 11 ट्वेल्थ में है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको किसी भी एग्जाम के लिए फिजिक्स की जरूरत है। तो अभी तक हमने पढ़ा ऑप्टिक्स, हम अभी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अभी हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू टॉपिक जो है डिस्पर्शन और फोटोमेट्री। राइट, डिस्पर्शन और फोटोमेट्री दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फोटोमेट्रिकली तो बेसिकली फार्मूला बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है, उसमें से कुछ चीज़ें आपको समझनी है जो मैं हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कवर करने की। तो लेट अस स्टार्ट विद डिस्पर्शन। व्हाट इज़ डिस्पर्शन? भाई जब हमने क्रोमेटिक एब्रेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट बेसिकली सात वाइट लाइट में सात लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं। राइट, वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? विबग्योर। विबग्योर मतलब फुल फॉर्म देखा जाए तो वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येल्लो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये जो सात कलर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये विबग्योर हैं। राइट, तो वाइट लाइट इन सात कलरों से बनती है। कई बार क्या होता है, वाइट लाइट इन सात अलग अलग अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, सारे कलर सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है लाइट स्प्लिट होने का या फिर हर कलर सेपरेट होने का, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्शन। राइट, तो ये डिस्पर्शन होता है और आज हम इसी की स्टडी करने वाले हैं। हम देखते हैं कि भाई लाइट स्प्लिट क्यों होती है, क्या रीज़न होता है इसके पीछे। मैंने ये भी बोला था एब्रेशन के टाइम पे जब हमने पढ़ा था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर लाइट की मतलब जो कलर रहता है उसका अलग हो जाता है, तो क्यों अलग होता है ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। भाई इसके पहले मैं कुछ और बात करूँ, हम प्रिज्म की बात करना चाहते हैं और प्रिज्म के पहले भी मैं स्नेल्स लॉ की बात करना चाहता हूँ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू वन साइन आई इज़ इक्वल टू म्यू टू साइन आर। राइट, ये स्नेल्स लॉ है। तो हम जो प्रिज्म की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात। भाई प्रिज्म पेंटागनल भी हो सकता है, हेक्सागनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑक्टागनल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम अभी सबसे सिंपल टाइप का प्रिज्म ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं। उसमें भी आपका सिमेट्रिक ट्राइंगुलर प्रिज्म, ठीक है, सारा है, राइट, सिमेट्रिक ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं। उसमें भी हम कलर बदल लेते हैं, राइट, और उसमें भी जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो सिमेट्रिक आ रही है। राइट, तो हम अभी सबसे इजी केस की बात कर रहे हैं, हमारे स्कोप में फ़िलहाल वही है। तो पहले ये देखते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन कैसे होता है। स्नेल्स लॉ मैंने बोला था उसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने स्नेल्स लॉ की बात अभी क्यों करी? जब प्रिज्म पे कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ती है, जैसे कि पी से जो रे जा रही है ये प्रिज्म पे फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आई, जो कि शोन है। राइट, ये नॉर्मल है। फिर ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, कैसे होगी? कुछ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आर हो जाएगा। राइट, फिर वो सेकेंड सरफेस पे आएगी, यहाँ पर देखो इस सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका आर डैश है। राइट, फिर वो लाइट रिफ्रैक्ट होगी, भाई रिफ्रैक्ट होगी, अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखिए मूव कर रही है, ऐसी सीधी सीधी आ रही थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करी, ऐसे आने लगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है और कैसे लाइट प्रिज्म से एग्जिट होती है। राइट, इस केस में आप ध्यान दे रहे होगे कि ये जो लाइट रे है बीच में क्यू आर, दिस इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। क्या ये प्रिज्म की कोई प्रॉपर्टी होती है? नहीं, ये प्रिज्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, चूँकि हमने सिमेट्रिक लाइट रे ली है और हमने प्रिज्म भी सिमेट्रिक लिया है, तो जो आर आता है वो स्नेल्स लॉ से कुछ इस तरह ही आता है कि ये जो लाइट रे है क्यू आर दैट इज पैरेलल टू बी सी। राइट, नाउ इस केस में अगर आप ज्योमेट्री का सही से यूज़ करोगे तो आप देखोगे आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। व्हाट इज ए? ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इट इज इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश। अगर आप ज्योमेट्री का यूज़ करोगे तो आपको ही मिल जाएगा। राइट, उसके बाद इनिशियल लाइट रे कैसे आ रही थी, आप देखो ये पी से जो लाइट रे पास हो रही थी वो ऐसे जा रही थी, फाइनल लाइट रे जो एग्जिट हुई है, जिसको अगर मैं एग्जिट रे बोल दूं जो एस से पास हो रही है, वो कैसे जा रही है? वो ऐसे जा रही है, इसको मैं पीछे बढ़ाऊं तो ऐसे जा रही है, मतलब इनिशियली रे ऐसे जा रही थी और फाइनली रे एग्जिट ऐसे हुई है। तो इस रे में कुछ एंगल ऑफ डिविएशन हुआ है, वो यहाँ से यहाँ तक डिविएट हुई है, तो दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। तो आज अभी हम फिलहाल डिविएशन एंगल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दिस एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश प्लस ए, जहाँ पर आई है इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश है ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकेंड सरफेस पे, इसको एग्जिट एंगल भी बोलते हैं, तो एग्जिट एंगल, और ए क्या है? ए है प्रिज्म एंगल, ये वाला एंगल जो प्रिज्म का टॉप मोस्ट पॉइंट का है। राइट,
देखिए सिमेट्रिक के केस में सिमेट्री है, सिमेट्री के केस में दिस आई विल बी इक्वल टू आई डैश, ठीक है, रे सिमेट्रिक है तो आई विल बी इक्वल टू आई डैश। हम पढ़ रहे हैं मिनिमम डिविएशन का केस कि भाई सबसे मिनिमम डिविएशन क्या होगा। मिनिमम डिविएशन तब होगा जब रे सिमेट्रिक पास होगी, और रे जब सिमेट्रिक पास होगी तो ये पैरेलल होगी पहली बात तो, राइट। और जो एग्जिट एंगल है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई और आई डैश बराबर हो जाएंगे, तो डेल्टा एम जो मिनिमम डिविएशन होगा वो होगा 2i माइनस ए, राइट। जो मिनिमम डिविएशन होगा दैट विल बी 2i माइनस ए। अब इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ए को यहाँ ला रहा हूँ, 2 को नीचे ले आ रहा हूँ, तो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मिनिमम डिविएशन का केस पढ़ रहे हैं। नाउ आर इज इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है भाई, सिमेट्री का केस है, राइट। मिनिमम डिविएशन कब होगा जब रे सिमेट्रिक होगी, और जब रे सिमेट्रिक होगी तो मतलब आर भी आर डैश के बराबर होगा, राइट। हम मिनिमम डिविएशन का केस पढ़ रहे हैं, रे सिमेट्री के केस में आई इक्वल टू आई डैश होगा, आर इक्वल टू आर डैश होगा। जब आर और आर डैश बराबर होंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2r इज इक्वल्स टू ए, तो r इज इक्वल्स टू ए बाई 2, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करो, जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो आप देखोगे वो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आप देखोगे ये म्यू कितना है, म्यू वन, प्रिज्म का म्यू कितना है, म्यू टू, तो म्यू वन आप मैं वन ले रहा हूँ मतलब एयर ले रहा हूँ, और ये प्रिज्म का म्यू टू आप ले लो म्यू के बराबर, राइट। जब आप सब्सटीट्यूट करोगे सारी वैल्यूज, आई की क्या वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है, और आप ऐसा मान लोगे कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये हमारा डेरिवेशन है, मतलब इस डेरिवेशन का ये आपका अजम्पशन है कि एंगल ऑफ प्रिज्म और जो मिनिमम डिविएशन है वो स्मॉल है, तो अगर प्रिज्म एंगल स्मॉल है और डिविएशन मिनिमम है वो भी स्मॉल है, तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए, मिनिमम डिविएशन इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए। कब वैलिड है ये, जब ये एयर हो पहली बात तो, क्योंकि हमने म्यू टू वन लिया था, राइट। एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो, डिविएशन जो मिनिमम डिविएशन है वो स्मॉल हो, मिनिमम डिविएशन हो जाता है म्यू माइनस वन इंटू ए। आप बोलोगे इसमें तो आपने इतने सारे अजम्पशंस ले लिए हैं, राइट। हाँ तो हमने जो केस पढ़ा है बहुत ज़्यादा स्पेशल केस पढ़ा है, एक तो सबसे सिमेट्रिक प्रिज्म है और हमने ये मिनिमम डिविएशन का केस पढ़ना है, तो मिनिमम डिविएशन की पहली कंडीशन ये होती है कि रे सिमेट्रिक होना चाहिए, तो जैसे ही रे सिमेट्रिक हो गई वैसे ही आई इक्वल टू आई डैश और आर इक्वल टू आर डैश हो ही गया। उसके बाद फिर हमने देखा हम मिनिमम डिविएशन का केस पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमने ये मान लिया है कि एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डिविएशन का जो एंगल है, डिविएशन एंगल है, वो बहुत छोटा है, राइट। तो हमने ये जो केस पढ़ा है, ये जो फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल केस के लिए जो हमने अभी पढ़ा है और हमारे स्कोप में यही है। लेकिन ऑल दो मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया है, तो अगर कुछ और भी आता तो आप कर सकते हो, लेकिन वो आएगा नहीं, इट्स जस्ट जर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, हमने वो पूरा मेथड डिस्कस करा है स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक एग्जांपल है, प्रिज्म पर ऐसे लाइट पड़ रही है और जब वो बाहर आ रही है, यहाँ से एग्जिट हो रही है दूसरे फेज से, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग कलर में स्प्लिट हो रही है, तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, राइट। हमने देखा है कि डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन अगर स्मॉल एंगल, मिनिमम डिविएशन का एंगल स्मॉल है और ए भी स्मॉल है, राइट। ये तो हम स्टैब्लिश कर चुके हैं। अब मैंने बोला था आपको कि भाई जो हर, जैसे रेड लाइट है और ब्लू लाइट है, दोनों का म्यू अलग अलग होता है, जिसके कारण दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग आ जाती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, राइट। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि दोनों लाइट्स की वेवलेंथ अलग होती है, तो कैसे वेरी करता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, म्यू इज़ गिवन बाय म्यू नॉट प्लस ए बाय लैम्डा स्क्वायर, जहाँ पर म्यू नॉट कॉन्स्टेंट रहता है, ए इज़ अ कॉन्स्टेंट और लैम्डा इज़ वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस ए बाय लैम्डा स्क्वायर, जहाँ पर लैम्डा होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट और म्यू होती है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए कैसे स्प्लिट करती है वाइट लाइट, आप इसको देखिए, जब किसी भी प्रिज्म पे वाइट लाइट पड़ती है तो वो अपने सातों कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होती है, ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, राइट। ऐसे सातों कलर में स्प्लिट होती है, तो
जैसे कि वायलेट, आप पहले वायलेट लाइट देखिए, वायलेट लाइट यह जा रही है, मैं वायलेट कलर चूज़ कर लेता हूँ पर्पल से थोड़ा मैचिंग। इसको अगर हम पीछे की, पहले तो मैं ये जो लाइट है येलो अपनी वाइट लाइट है, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाइट लाइट की लाइन हो गई। अब वायलेट लाइट देखिए, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल आया है, व्हाट इज़ दिस एंगल, दिस इज़ एंगल ऑफ डिविएशन फॉर वायलेट लाइट। इसी तरह मैं एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रेड लाइट भी निकाल सकता हूँ, वो कितना होगा, ये एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रेड लाइट हो गया। तो वायलेट लाइट और रेड लाइट दोनों एक्सट्रीम है, राइट, एक पॉइंट पे है, एक इस एक्सट्रीम पे है, एक इस एक्सट्रीम पे है। तो वायलेट लाइट का जो डिविएशन है वो मैक्सिमम है, रेड लाइट का जो डिविएशन है वो आप देख सकते हो फिगर से वो मिनिमम है, राइट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिविएशन ऑफ वायलेट लाइट माइनस डिविएशन ऑफ रेड लाइट इज़ नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन, राइट, दिस इज़ नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। और अगर मेरे को बोला जाए कि भाई आप तो वाइट लाइट का एवरेज डिस्पर्शन बताओ, तो एवरेज डिस्पर्शन होता है येल्लो, एवरेज डिस्पर्शन के केस में हम येल्लो लाइट को कंसीडर करते हैं, ठीक है, डेल्टा ऑफ येल्लो, जो येल्लो लाइट का डिविएशन होगा, जो येल्लो लाइट का डिविएशन होगा वो आपका हो जाएगा एवरेज डिस्पर्शन। और एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वायलेट लाइट और रेड लाइट का डिविएशन। तो हमने एंगुलर डिस्पर्शन देख लिया, हमने देख लिया कि भाई डिविएशन एंगल क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एवरेज डिस्पर्शन क्या होता है, डेल्टा वाई, और हमने डिस्पर्शन का फिनोमेना भी देख लिया। अब एक और टर्म होता है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर इज़ बेसिकली गिवन बाय ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इट इज़ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर एंगुलर डिस्पर्शन और एवरेज डिस्पर्शन, एवरेज डिस्पर्शन डिस्पर्शन रहते हैं आप येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग, तो यही यहाँ पर लिखा है। अब आप इसमें डेल्टा की वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, म्यू माइनस वन इंटू ए। तो अब एक ही प्रिज्म है, तो ए तो सबके लिए कॉन्स्टेंट है, तो ए तो सब में कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो इसके लिए क्या होगा, म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए अपॉन म्यू येल्लो माइनस वन इंटू ए, यही होगी सारी वैल्यूज, तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, या माइनस वन है यहाँ पर भी माइनस वन है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे जब ओपन करेंगे, तो अब फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, तो दिस इज डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। ये भी एक टर्म है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि भाई डिस्पर्सिव पावर आप फाइंड आउट करके बताओ, तो आपको डिस्पर्सिव पावर फाइंड आउट करना आना चाहिए। नाउ अब हम थोड़ा सा केस पढ़ रहे हैं, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, डिस्पर्सन और डिविएशन, राइट, एंगुलर डिस्पर्शन और डिविएशन। तो मैं एक केस लेना चाहता हूँ, आप अभी जो सब इक्वेशंस लिखी हैं वो सब भूल जाइए, आप बस अभी ये देखिए, एक प्रिज्म में सीधा रख रहा हूँ और सेकंड प्रिज्म में उल्टा रख रहा हूँ, राइट। जब मैं ये प्रिज्म सीधा रख रहा हूँ तो इस प्रिज्म के कारण जो जैसे कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, राइट, मान लीजिए एक वाइट लाइट मैं कंसिडर कर लूँ, कलर भी चेंज कर लेते हैं, वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस पर, तो उसका जो डिविएशन होगा फाइनली निकलने के बाद, राइट, वो कुछ ऐसा होगा। और अगर इस प्रिज्म पे कोई लाइट पड़ेगी तो उसका जो डिविएशन, अगर यही लाइट, ऐसी लाइट इस प्रिज्म पे पड़ रही है तो उसका जो डिविएशन होगा निकलने के बाद वो कुछ दूसरी साइड होगा, राइट, क्योंकि दोनों ऑपोजिट रखे हैं, तो भाई सीधा दिख रहा है ना, ये सीधा रखा है, ये उल्टा रखा, इन्वर्टेड रखा है, तो इसका डिविएशन की डायरेक्शन और इसके डिविएशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो अभी आप फाइंड करिए कि अभी आप नॉर्मल चीज़ें फाइंड करिए जो अभी तक हम फाइंड कर चुके हैं, मान लीजिए इसके जो ये मिरर वन है, ये प्रिज्म वन है और प्रिज्म टू है, तो प्रिज्म वन में जो डिविएशन होगा वो कितना होगा, डिविएशन क्या होता है, म्यू माइनस वन इन टू ए, राइट, यही होता है डिविएशन, म्यू माइनस वन इन टू ए। प्रिज्म टू का क्या होगा, म्यू डैश माइनस वन इन टू ए डैश, इसका एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ये ए डैश है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका म्यू डैश है, ठीक है, डैश वाले जितने भी हैं ए डैश म्यू डैश ये सब सेकेंड प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ डिविएशन होगा म्यू डैश माइनस है, ये तो हम देख चुके हैं, ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है।
अब नेट डिविएशन कितना होगा इन दोनों का अगर मिला लिया जाए, भाई ये लाइट यहाँ से जा रही है और यहाँ पर निकल रही है, तो इस लाइट का नेट डिविएशन कितना होगा? नेट डिविएशन होगा दोनों के डिविएशन का सम, सीधी बात है, लेकिन दोनों में डिविएशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस केस में जो नेट डिविएशन होगा वो होगा डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, राइट, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, तो वही हमने लिखा है, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू करोगे तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आपने लिख दिया। अब मेरे को एंगुलर डिस्पर्शन, ये तो मैंने नेट डिविएशन निकाल दिया, ये मेरे को आता था निकालना, अब मेरे को मैंने एक और क्वांटिटी सीखी है डिस्पर्शन, तो मेरे को एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है, वो क्या होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो डेल्टा वी, नेट डेल्टा वी कितना होगा? डेल्टा वी क्या होता है पहले, वायलेट, बस कुछ नहीं है, डिविएशन के में वायलेट राइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दोगे आप, म्यू वी माइनस वन इंटू ए, तो नेट डेल्टा वी कितना होगा इसी फॉर्मूले में, ये नेट डिविएशन का फॉर्मूला है राइट, नेट डेल्टा वी कितना होगा इसी फॉर्मूले में म्यू वी रख दीजिए, इसी तरह नेट डेल्टा आर कितना होगा, म्यू म्यू की जगह म्यू आर रख दीजिए, और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर निकाल लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा एंगुलर डिस्पर्शन नेट, सही बात है भाई। ये आपका नेट एंगल, एंगल ऑफ डिविएशन हो गया, फिर आपने एंगल ऑफ डिविएशन वायलेट लाइट के लिए निकाला, फिर आपने एंगल ऑफ डिविएशन रेड लाइट के लिए निकाला, तो एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वायलेट लाइट माइनस एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रेड लाइट करते हो तो एंगुलर डिस्पर्शन आता है, ये तो हम देख चुके हैं, तो यही आपने निकाला है राइट, और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाए आपका जो आया है ये वाली इक्वेशन आ जाएगी राइट, यही होता है एंगुलर डिस्पर्शन, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा क्या होता है म्यू ए इंटू म्यू माइनस वन, वही सारे फार्मूले हमने सब्स्टिट्यूट करें, बस हम नेट निकालते गए। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ये फार्मूला हमने अभी लास्ट उसमें फाइंड करा था, तो डिस्पर्सिव पावर पहले प्रिज्म की होगी ओमेगा, सेकंड प्रिज्म की होगी ओमेगा डैश, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमने सीधा सीधा फार्मूला लिखा है। अब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कितना होगा, अगर मैं म्यू वी माइनस म्यू आर की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में रखूँ तो क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर क्या होगा, ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन, वही मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसी तरह म्यू वी डैश माइनस म्यू वी आर कितना होगा, इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन, राइट, ये हो गया डेल्टा वी माइनस आपका डेल्टा आर, दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। अब एक और क्वांटिटी पड़ी है, देखिए मैंने एंगल ऑफ डिविएशन निकाल लिया राइट, एंगल ऑफ डिविएशन मैंने यहाँ पर निकाल लिया, फिर मैंने एंगुलर डिस्पर्शन निकाल लिया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर करके। हमने एक और क्वांटिटी पढ़ी है, क्या है, एवरेज डिस्पर्शन। एवरेज डिस्पर्शन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू येल्लो लाइट, तो जब एंगल ऑफ डिविएशन करस्पॉन्डिंग टू येल्लो लाइट क्या होगा, इस डेल्टा में म्यू की जगह म्यू ऑफ बाय रख देंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येल्लो लाइट के लिए रख देंगे, तो ये आ गया आपका एवरेज डिस्पर्शन। ठीक है, अब मेरे पास एवरेज डिस्पर्शन है, मेरे पास एवरेज डिविएशन है, मेरे पास एंगुलर डिस्पर्शन भी है। अब दो स्पेशल केस पढ़ते हैं, मान लीजिए डिस्पर्शन हो रहा है लेकिन डिविएशन नहीं हो रहा है, एवरेज डिविएशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, एवरेज डिविएशन को आप ज़ीरो कर दो। व्हाट इज़ एवरेज डिविएशन, डेल्टा वाई करस्पॉन्डिंग टू येल्लो लाइट होता है, जैसे ही आप इसको ज़ीरो करोगे तो आप देखोगे म्यू वाई माइनस म्यू वन इंटू ए इज़ इक्वल टू म्यू वाई डैश, भाई इसको दूसरी साइड ले जाओ उस टर्म को, तो ये इक्वेशन आ जाएगी म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश, और जब ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर दोनों को इक्वेट करके, म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश को आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, मतलब डिस्पर्शन की इक्वेशन में, एंगुलर डिस्पर्शन की इक्वेशन में, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी जो नीचे लिखी है। दिस इज केस फॉर डिस्पर्शन है लेकिन एवरेज डिविएशन मैंने ज़ीरो कर दिया है। नाउ अब मैं चाहता हूँ डिविएशन हो लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो, राइट, एंगुलर डिस्पर्शन नहीं हो बस डिविएशन हो, तो इस केस में क्या करूँगा, मैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगा, और जब मैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को ज़ीरो रख रहा हूँ तो मुझे फिर कुछ रिलेशनशिप मिलेगा राइट, जो भी रिलेशनशिप मिलेगा, मतलब इसको ज़ीरो रखूँगा तो मतलब ये हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, म्यू वी माई माइनस वन इंटू ओमेगा ए इज इक्वल्स टू म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ओमेगा डैश ए डैश, और जब इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा भाई एवरेज डिस्पर्शन में, तो मेरे को जो डेल्टा मिलेगा वो ये आ जाएगा राइट। तो एक बार हमने डिस्पर्शन को ज़ीरो करा, एक बार हमने एवरेज डिविएशन को ज़ीरो करा राइट, इस केस में हमने एंगुलर डिस्पर्शन ज़ीरो करा है, इस केस में हमने एवरेज डिविएशन ज़ीरो करा है, तो ये स्पेशल केस थे जो हमें मिल गए राइट, तो दीज आर केसेस ऑफ
डिस्पर्शन और डिविएशन, कि कैसे डिस्पर्शन के बिना डिविएशन होता है और कैसे डिविएशन के बिना डिस्पर्शन होता है। तो यहाँ पर आपका प्रिज्म से रिलेटेड जितना भी डिस्पर्शन डिविएशन है वो खत्म हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोटोमेट्री। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, इट्स अ वेरी फार्मूला बेस्ड टॉपिक, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। एक चीज़ होती है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होती है? एनर्जी एमिटेड, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो टोटल रेडिएंट फ्लक्स होता है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, दिस इज फ्लक्स। फिर एक टर्म होता है ल्यूमिनोसिटी। व्हाट इज दिस? किसी भी फ्लक्स की, मतलब एनर्जी जो एमिट हो रही है, भाई जैसे बल्ब है आपका, ठीक है, लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब से कुछ फ्लक्स एमिट हो रहा है, वो क्या होगा? कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब किसी भी फ्लक्स की जो, जैसे लाइट बल्ब से जो फ्लक्स एमिट हो रहा है, मतलब जो एनर्जी एमिट हो रहा है, उसकी अगर मैं ल्यूमिनोसिटी डिफाइन करूँ तो वो क्या होगा? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ब्राइटनेस। मतलब अगर कोई बल्ब ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी ल्यूमिनोसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कोई दूसरा बल्ब जो कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नाइट बल्ब होता है उसकी ल्यूमिनोसिटी कम होती है, और जो ब्राइट बल्ब होता है, जो मतलब ज़्यादा वॉट का होता है, वो ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, तो उसकी ल्यूमिनोसिटी ज़्यादा होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स इज रिलेटेड टू टोटल ब्राइटनेस प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। अब भाई ल्यूमिनस फ्लक्स भी एक होता है, मतलब कि ब्राइटनेस कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, ब्राइटनेस एमिटेड पर यूनिट टाइम, ऐसा कुछ होता है ये, ठीक है। और इसका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली ब्राइटनेस प्रोड्यूस से होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट होता है ल्यूमेन, ठीक है, इसका यूनिट होता है ल्यूमन। वन ल्यूमन की वैल्यू कितनी होती है? एक ल्यूमन मतलब होता है कि अगर एक सोर्स ले लूँ मैं 1/1685 वॉट का, आप बोलोगे इतनी अजीब सी वैल्यू क्यों, ये मैंने डिफ़ाइन नहीं करी है, वन ल्यूमन को ऐसे ही डिफ़ाइन करा जाता है एसआई स्टैंडर्ड्स में। अगर एक सोर्स ले लूँ मैं वन, जैसे भाई आप देखते हो बल्ब का यूनिट क्या होता है, आप बोलते हो 10 वॉट का बल्ब, 40 वॉट का बल्ब, 5 वॉट का बल्ब, 2 वॉट का बल्ब। तो अगर एक 1/1685 वॉट का एक सोर्स ले लिया जाए, ठीक है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट दे रहा है, जैसे कि आपने देखा था भाई कि जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 वेवलेंथ की लाइट रहती है, राइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहा हूँ जिसमें एक ही वेवलेंथ की लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का एग्जांपल क्या है? लेज़र, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसमें वेवलेंथ है 555 नैनोमीटर, ठीक है। तो वो सोर्स जो एमिट करेगा ब्राइटनेस, राइट, वो होगी वन ल्यूमन। वो जो ल्यूमिनस फ्लक्स एमिट करेगा दैट विल बी इक्वल टू वन ल्यूमन, मतलब 1/685 वॉट का सोर्स एमिटिंग 555 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। व्हाट इज रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी? भाई नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ के रिलेटिव में, किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में देख रहा है। तो क्या होती है, ये सिंपल फार्मूला याद कर लीजिए, ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ सोर्स एट गिवन वेवलेंथ, किसी भी वेवलेंथ पे एक ल्यूमिनस फ्लक्स सोर्स का, ठीक है, और ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 555 नैनोमीटर सोर्स ऑफ सेम पावर। मान लीजिए एक 10 वॉट का बल्ब है, ठीक है, वो आपका 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ एमिट कर रहा है, तो उसका जो ल्यूमिनस फ्लक्स होगा अपॉन 10 वॉट का ही बल्ब, सेम पावर का बल्ब, ठीक है, लेकिन जो ल्यूमिनस फ्लक्स एमिट कर रहा है वो 555 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग कर रहा है। दिस इज रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी। एफिशिएंसीज देख लेते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसीज देखो, ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या होगी? टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल रेडिएंट फ्लक्स, टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन टोटल रेडिएंट फ्लक्स। तो आप ल्यूमिनस फ्लक्स भी पढ़ चुके हो और रेडिएंट फ्लक्स भी पढ़ चुके हो, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? ओवरऑल एफिशिएंसी होगी ल्यूमिनस फ्लक्स जो एमिट हो रही है अपॉन जितना पावर इनपुट, जितना पावर आप सोर्स को दे रहे हो, ठीक है भाई, आप 10 वॉट पावर दे रहे हो कि 20 वॉट पावर दे रहे हो, ठीक है, दिस इज ओवरऑल एफिशिएंसी। तो आपने ल्यूमिनस एफिशिएंसी देख लिया, ओवरऑल एफिशिएंसी देख लिया। अब फोटोमेट्री में एक टर्म और होता है, इल्यूमिनेंस, ठीक है। उसके पहले हमें इंटेंसिटी ऑफ सोर्स देखना पड़ता है। तो इंटेंसिटी ऑफ सोर्स होता है df अपॉन dw, जहाँ पर df है आपका ल्यूमिनस फ्लक्स, फ्लक्स f से डिनोट हो कर रहे हो आप, ठीक है, df है ल्यूमिनस फ्लक्स, और dw है आपका सॉलिड एंगल, राइट। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे के कुछ चैप्टर्स में इसका यूज़ होगा। अभी तो आप ये समझ लीजिए सॉलिड एंगल, मतलब अभी तो आप बस इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। सॉलिड एंगल के बारे में और डिटेल में हम आगे कुछ और जगह है जहाँ पर सॉलिड एंगल का यूज़ होता है, मैं वहाँ पर समझा दूँगा, राइट। अभी वो समझने के लिए आपको थोड़ी और कुछ और चीज़ें वैसे समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, क्या हो गया डी एफ अपॉन डी डब्ल्यू, वेयर डी एफ इज ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सोर्स इन अ स्मॉल कोन ऑफ सॉलिड एंगल डी डब्ल्यू कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ गिवन डायरेक्शन. इल्यूमिनेंस, व्हाट इज इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस इज डी एफ अपॉन डी ए. डी एफ क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स, डी ए क्या है, एरिया, ए यूजली एरिया डिनोट करता है, तो ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, जिसको लक्स भी बोलते हैं. ठीक है, व्हाट इज ल्यूमन, ल्यूमन भाई फ्लक्स का यूनिट होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर जिसको लक्स भी बोला जाता है. दिस इज बेसिक, तो डी एफ बाई डी हो गया आपका इल्यूमिनेंस. तो गाइस दैट्स इट फॉर फोटोमेट्री एंड डिस्पर्शन. ठीक है, हमने डिस्पर्शन के बहुत से केसेस देख लिए, बहुत अच्छे से प्रिज्म का डिस्पर्शन देख लिया है, उसका डिविएशन देख लिया, एवरेज डिस्पर्शन देख लिया, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, दोनों केसेस देख लिए. फोटोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने बता दिए. फोटोमेट्री में समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने जो फॉर्मूले बताया बस आप वही याद रखिए, उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. मतलब देयर इज़ नथिंग, जो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, बहुत डिटेल में समझाऊँ. जो भी चीज़ें थी वो काफ़ी डेफिनेशन बेस्ड हैं, काफ़ी फार्मूला बेस्ड हैं, तो उसके लिए आपको सीधा सीधा याद रखने की ज़रूरत है. राइट, तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमारा ऑप्टिक्स ख़त्म हो गया है. बस एक टॉपिक बताया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आई एम सॉरी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचे, तो वो कुछ नहीं है, वो ज्योमेट्रिक जो ऑप्टिक्स है उसी का एप्लीकेशन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, अब आपको ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स समझ में आ गया तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी समझ में आ जाएगा. ऑल दो हम कवर करेंगे, हम कवर कर लेंगे इन फ्यूचर, जो मतलब कुछ दिनों बाद, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक. ठीक है, तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. आपका ऑप्टिक्स खत्म हो गया है, अब आप ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं करें, आप जाइए और सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, फर्स्ट एचसीवामा, सेकेंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, और उसके बाद टाइम बचता है तो कोई और क्वेश्चन में या कुछ और. ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एचसीवामा प्रीवियस ईयर तो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि इससे ही आपकी भाई, इससे क्या होगा, आपका पहला पॉइंट, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि भाई मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं. ठीक है, और आपसे बनेंगे क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. दूसरी पॉइंट, स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन नहीं बने, गलत हों, आंसर कई बार गलत आएंगे, समझ में नहीं आए, तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते, भाई देखो आपको क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन नया टाइप का आता है पेपर में, सब कुछ भाई उन्हीं कॉन्सेप्ट से बेस्ड रहता है. तो अभी नहीं बनेगा, स्टार्टिंग के 10-12 नहीं बनेंगे, बाद के बनेंगे. आप बोलोगे सर ऐसा नया क्वेश्चन आएगा तो फिर कैसे, नहीं, पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे आप कर चुके हो, कुछ नए आएंगे तो जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे बन जाएंगे. ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि पेपर में सब कुछ बनना चाहिए, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में आपसे सब कुछ बनेगा. राइट, तो अगर अभी नहीं बन रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, 10-12 क्वेश्चन के बाद अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अपने आप चीज़ें बनने लगेंगी. राइट, और क्या होता है, प्रैक्टिस से क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है. और लीस्ट और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपका एरर एलिमिनेट्स होती हैं, एरर एलिमिनेट होती हैं. राइट, हमने ये देखा था. थैंक यू गाइस, एंड दैट्स इट फॉर टुडे.